बोलिए कौन सोच रहा है। टबर का मुद्दा क्या रहेगा, बेरोजगारी। बेरोजगारी तो यही हम अधिक वादा करके जीतल था कि हम नियोजन नीति लाएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे तो 26,000 पारा टीचर बहाल कराएंगे। काहे को कराया, कुछ नहीं करा पाए, कुछ नहीं कराया, एक आधो कराइबो किया। तो आज एग्जाम दिवा रहा है तो घर आते तक पता चल रहा है कि उसका पेपर लीक हो गया, लीक हो जा रहा है। फिर भी एग्जाम 8 दिन के बाद लिया, फिर पता चला कैंसिल कर दिया। तो अब सरकार किसको बनाना है? अब मान लीजिए हमको कहने से तो नहीं सरकार बन जाएगा, आपका वोट से तो सरकार बनेगा ना। हाँ, वोट से मान बन जाओ। देखिए सरकार कौन है झारखंड में, अगर दो ही पार्टी सरकार लायक है, एक आपका गठबंधन इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर जनम कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसका सरकार बनना देखना चाहते हैं? सरकार तो मान लीजिए तो बीजेपी को उम्मीदवार की बनेगा, लेकिन यहाँ गिरिराज जी के खेमा में आप क्या कर रहे हैं? खेमा में इसलिए आ रहे हैं इन लोग कि जो यहाँ गिरिराज जी को जिताएंगे तो वहाँ सरकार भारतीय सरकार से मतलब नहीं है। यहाँ के विधायक बनेंगे, गरीब को मतलब जानेंगे, गरीब को कौन देख रहा है अभी? इतना बहुत पुल बना, बहुत रोड बना, गरीब लोग ठीक है उसमें ठेकेदारी लिया है, कई को जाके काम किया। गरीब के पास पूंजी उजी रहता है तो पूंजी नहीं रहता है, करोड़ों रुपया लगता है। पूंजी नहीं रहता है तो पहले ही ना कहना चाहिए कि हम गरीब को सेवा नहीं करेंगे, पूंजी वाले को केवल हम ठेकेदारी देंगे। और अभी जहाँ ये गरीब का सेवा करेंगे, गरीब का सेवा करते हैं कैसे करेंगे? अगर ठेकेदारी देंगे तो आप कैसे बना पाइए? बस उसी तरह का ठेकेदार देते हैं, कैसे बस गरीब उसमें कमा खा रहे हैं। 17 साल तक विधायक रहे, मंत्री भी रहे, 17 साल रहे। उस समय जमाना कुछ और था, अभी जमाना कुछ बदल गया। उस समय इनका विकास का काम हुआ था। 17 साल पहले जो मुखिया बन रहा था एक गाँव में 2 गो कल खातिर वहाँ भीड़ लगा रहा था, लेकिन अभी किना कल एकदम ताबड़ तोड़ कल अभी दूसरा तरीका का विधायक हुआ थी मुखिया हो गया है, पहले दिन थोड़ी है। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी से टिकट लेने के लिए आगे 2 दिन पहले? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बहुत अच्छा? अच्छा है कि हमारे हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है नेता है। किस टाइप का फायदा है? जमीनी नेता है, जमीनी नेता, आसमानी नेता नहीं है, जमीनी नेता। तो पहले बोल रहे थे जो हमको निर्दलीय आना है, 2 दिन पहले पता चला जी सपा से आ रहे हैं। इनका ये था कि हमको टिकट मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा हम निर्दलीय रहेंगे। आ गया टिकट, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। पार्टी चेंज करना सही है या गलत है? कौन पार्टी नहीं चेंज करता है बताइए, ऐसी बताइए। बिहार में जो है नीतीश कुमार बदनाम है, जो पलटू राम है, गढ़वा के लिए भी कुछ कोई पलटू है क्या? सब कोई है पलटू, कोई 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 जो है ना, ये नहीं है कि कोई एकदम मन है एक जिमनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सत्ता पाने के लिए लोग पलट जाते हैं, कोई भी आज जो है से कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है। हाँ, लेकिन ये है कि जमीनी नेता है, जमीनी नेता का हम लोग चार। विकास का काम हुआ है कि ना आपका क्षेत्र? विकास का काम हुआ है लेकिन नाश का भी काम हुआ है। कैसे? विकास का काम बताइए और नाश का काम दोनों बताइए। नाश के काम आज देखिए, एक रोड बन गया मेन रोड, आप गली में घूम के देखिए ना बड़े भाई, गली में आप देखिएगा ना तो आपको रोएगा दिल कि क्या हो रहा है। कहाँ की बात करें? कोरवाटी की बात कर रहे हैं। कोरवाटी में गली नहीं बना है? नहीं बना है बड़े, सिर्फ मेन रोड बना, मेन रोड जो आप देख रहे हैं मेन रोड है, बस के बाद गली में आप घूम के देखिए, गली उली सब कहीं कहीं नहीं, गली पिचड़ वाला रोड है एकदम पहली वाला। अभी जाके देखिएगा ना, ये कहते हैं ना कि क्या वाला गंगा बहा दिए, आप वहाँ रहते हैं कोरवाटी में, हम दिखाते हैं गंगा बह रहा है कि क्या हो रहा है। सचमुच में गंगा बह रहा है? एकदम नहीं, एकदम नहीं, गंगा हुआ जो नली है वह गंगा बह रहा है, क्या बह रहा है? छोटी गंगा है। हाँ, छोटी गंगा है। चलिए मुद्दा क्या रहेगा इस बार, वोट कहाँ देंगे? वोट कहाँ देंगे? क्या है, क्यों देंगे इनको? अच्छे विधायक क्यों नहीं देंगे? अच्छा विधायक हमारे यहाँ, और दूसरा विधायक अच्छा नहीं है? नहीं है अच्छा। इतना गढ़वा में जो विकास का काम हो रहा है वो खराब हो रहा है, जनता विकास को अपना घर से किए हैं, विकास जनता घर में किया, उधर रोड शहर के विकास किए हैं, जनता घर में क्या विकास किए हैं बताइए आप? तो कोई घर से विकास करता है? नहीं, घर से नहीं करता है, तो फिर विकास होना चाहिए ना, मानिए आम पब्लिक का हक में क्या विकास किए हैं? अच्छी बताइए, गिरिराज जी 17 साल तक विधायक रहे, मंत्री भी रहे, पूर्व विधायक सत्यनाथ तिवारी भी 10 साल रहे, और ये 5 साल जो है मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर रहे, ये इसका सबसे बढ़िया कार्य किसको अच्छा लगा? व्यवहार विचार रहते हैं, कार्य किसको अच्छा लगा? विकास का काम कहाँ आपको दिखा? 17 साल, 10 साल या 5 साल, बेस्ट कौन है? 5 साल लगा, 5 साल भारी पड़ रहा है ना, 17 साल 10 साल क्या पड़ेगा? सन्निहित हो गए, 5,000 के घोटाला में सम्मिलित हो गए, आने वाला बताइए, जेल के सलाखों में जाएंगे और इनका 5,000 होगा, इनको देखिएगा 5,000 तीन करोड़ पॉकेट में होगा, घोटाला हो गया, और 5,000 करोड़ घोटाला किया है, 5,000 करोड़ तो कुछ नहीं निकला, 5,000 करोड़ का जमीन का कागजात मिला है ना, इनको देखिएगा आने वाला समय में जेल में सड़ेंगे, अभी तक ऐसा कुछ खुलासा नहीं, गढ़वा
आधारा बाकी आ गया है, और कुछ नहीं है। गिरिनाथ सिंह 17 साल में जितने काम किया है, इन्होंने 17 बार जन्म लेंगे तब नहीं काम कर पाएंगे। क्या मित्र ठाकुर, 1,06,000 वोट देकर उनको जिताए थे, 1,06,000 से पिछले बार जीता है, पिछले बार। हाँ, घोटाला कितना किया, 7,000 करोड़। आप भागा करके देखिए कितना पड़ता है, हमको पैसा दे दे। आप 7,000 करोड़ बोल रहे हैं, ये 5,000 करोड़ बोल रहे हैं, समझ में नहीं, नहीं देखे हैं समाचार। अच्छा नहीं देखे, नहीं देखा तो आप गलत है कि ये गलत है? नहीं नहीं, देखिए कंफ्यूज है, कंफ्यूज ये है, 7,000 करोड़ घोटाला हुआ है, 7,000 के 5,000, 5,000 मैं पेपर में देखा हूँ, 7,000 5,000 देखे हैं, 7,000 क्या बात, 5,000 ठीक है, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है 5,000 हो या 7,000, फिर तो घोटाला हुआ, फिर तो घोटाला हुआ ना। अभी देखिए आपका गिरिनाथ सिंह ने जितना चापाकल करवाए थे उसका मरम्मत नहीं कर पाए, पैदल विभाग के मंत्री है, पैदल विभाग अपना काम तो गिनवा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ रोड कहीं कहीं बनवा दिए हैं, रोड तो दिखा रहे हैं कि रोड हम बहुत बनवा दिए हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। रोड आज इनका क्या बोलते हैं, उद्घाटन करने से पहले ही अब कहीं टूट जाता है, उद्घाटन से पहले, हाँ बनने से पहले। इसका जीता जागता उदाहरण आपका है, कहाँ चिनिया प्रखंड के घुरी में, रोड टूट गया, रोड टूट गया, मैंने बना भी नहीं टूट गया, मैंने वही बनने के बाद 2-3 महीना हुआ टूट गया। और आपका देखिए चिनिया से खुथवा मोड़ जो रोड बन रहा था वो कितना बढ़िया था, अभी लगभग उसको मैंने नहीं बनाते तो 10 साल अभी आराम से चलता, और चलता। वैसा रोड को पैसा मैंने अपना कमाने के जरिए बना करके उसको रिपेयरिंग किए, मेरा घर जब क्यों नहीं रहा है तो उसको रिपेयरिंग क्यों करेंगे, उसको कमाने के लिए सिर्फ इसमें कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ इधर से उधर खपड़ा कर देंगे, मेरा घर छवा जाएगा, पैसा बचाने के चलते काम किए हैं।